गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो आ चुका है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से जो बीएड के लिए था फर्स्ट मेरिट लिस्ट एलोटेड सीट वो आ चुका है और लगभग सभी स्ट्रीम के लिए आ चुका है। तो आप यहां से जो एडमिशन सेक्शन है एडमिशन 2021-22 में क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा है प्रोग्राम वाइज फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यह पे जो पहला है उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करके ये देखिए लगभग सारे जो स्ट्रीम है जो डिपार्टमेंट के लिए आ चुका है, सभी के लिए आ चुका है। बैचलर ऑफ एजुकेशन आ चुका है, जो बीडी के लिए आपका इंतजार था बैचलर ऑफ लॉज, सभी के लिए ये आ चुका है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट से हो उसी से क्लिक करके आप एक ईमेल आईडी से आप देख सकते हैं ड्राइव में जाके। तो जैसे कि हमको देखना है बैचलर ऑफ एजुकेशन के बारे में, जो बीड में कितना कट ऑफ गया है, तो फर्स्ट प्रोविजनल किस किस को एलर्ट हुआ है सीट, ये जो एलर्ट हुआ है सीट ये सारे सारे एडमिशन कर सकते हैं। जैसे कि तो ये देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की तरफ से जो मेरिट लिस्ट आया है फर्स्ट प्रोविजनल एलोटेड सीट, ये जो स्टूडेंट्स है ये जो सारे के सारे स्टूडेंट्स है ये सब एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर पेइंग द फी। जो भी फी है पे करने के बाद ये सारे सारे एक एक सीट ले सकते हैं। ये जो फाइनल है इनका एक एक सीट फाइनल हो गया है, तो इनमें से जो चाहे पेमेंट करके एक एक सीट ले सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ईवर मेरिट लिस्ट, ईवर में टोटल सीट होता है 51 सीट, कितना होता है 51 सीट होता है, तो 51 स्टूडेंट्स का नेम दिया गया है। जैसे कि जनरल में कुछ ओबीसी में अगर आप ज़्यादा मार्क रखते हैं जनरल के बराबर तो आपको वो जनरल के साथ ले जाते हैं। एसटी में एससी में 251 एक स्टूडेंट्स का है, तो ये सारे के सारे जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो फिर देखते हैं ओबीसी के लिए जो सीट रहता है वो होता है हमारा ओबीसी मेरिट लिस्ट में आया है ये जो एलोटेड सीट है, इन लोग सारे इन जो स्टूडेंट्स है ये सारे के सारे एडमिशन ले सकते हैं। ये जो 34 सीट है तो 34 स्टूडेंट का यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ओबीसी में कट ऑफ कितना गया है 233 से आया है एंड कितना तक गया है 225, 31 सीट है, तो ये देख सकते हैं 185 तक गया है, ये गया है 185 तक। एंड ये गया हमारा एससी मेरिट लिस्ट, एससी में होता है टोटल सीट होता है एससी में 19 सीट होता है टोटल सीट, तो 233, 225, 224, 220, 221 एंड कितना तक गया है एससी में, बहुत ही एससी में देख सकते हैं 189 गया है एससी में 189 गया है एंड एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 114 गया है। तो आप एसटी मेरिट लिस्ट भी देख सकते हैं, एसटी में सीट होता है हमारा 9 ही सीट होता है, एसटी में 9 सीट रहता है, तो एसटी में 230 एंड 215 ऐसे ही गए 203 जाए 203। तो ईडब्ल्यूएस मेरिट लिस्ट है टोटल सीट होता है 12 सीट होता है तो 12, तो ये गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी गया ईडब्ल्यूएस के लिए एसटी ईडब्ल्यूएस। तो ये सारे के सारे जो फर्स्ट प्रोविजनल एलोटेड सीट है ये जो सारे स्टूडेंट्स पेमेंट के बाद एक एक सीट ले सकते हैं, ये फाइनल बिल्कुल है। तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों जो भी सीयूसीएस के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं उन्हें शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जैसे कि क्या क्या प्रोसेस रहता है पेमेंट करने का जो भी आता है हम बता देंगे। इंपॉर्टेंट भी नोट कुछ दिया गया है, जैसे कि द ऑफर ऑफ एडमिशन इज प्रोविजनली सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड डिपॉजिटिंग ऑफ फी बिफोर द लास्ट डेट एज पर सिक्योरिटी। आपका जो भी लास्ट डेट दिया गया होगा उससे पहले ही आपको क्या करना होगा पेमेंट कर देना होगा। जैसे कि एक आप सीट रख सकते हो, नहीं तो ये जो सीट वैकेंसी रह जाएगा वो सारे के सारे सेकंड काउंसिल में चला जाएगा, जितने भी सीट वैकेंस रहेंगे वो सारे के सारे सेकंड काउंसिल में चला जाएगा। जैसे कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा जो नीचे होंगे वो सारे के सारे ऑफर किया जाएंगे एलोटेड हो जाएंगे। तो विथ स्टिपुलेटेड टाइम आपको एक पेमेंट कर देना है। इट इज द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू डिटरमाइन देयर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू बीडी प्रोग्राम बिफोर डिपॉजिटिंग द फी। आपको देखना है क्या आप एलिजिबल हो बिफोर डिपॉजिटिंग द फी। द एडमिशन ऑफ ए कैंडिडेट शैल स्टैंड कैंसल्ड एट एनी स्टेज इफ एलिजिबिलिटी क्लेम्ड बाय हिम बाय फाउंड टू बी फॉल्स। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स फॉल्स निकलता है तो आपको एनी स्टेज पे कैंसिल किया जाता है जो एडमिशन है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ईमेल द रिसिप्ट दिलीप कुमार एट द रेट cuh.arc.in। ये जो ईमेल आईडी दिया गया है उस पर आपको ईमेल करना है, ये जो ईमेल आईडी दिया गया है एलोंग विद द स्कैंड कॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन द इंक्लूडिंग मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड फ्रेश नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट मेट्रिकुलेशन एंड सीयूसीटी स्कोर कार्ड एंटी रैंकिंग अंडरटेकिंग। ये सारे के सारे एक पीडीएफ फाइल में
ये ईमेल आईडी पे आपको भेजना है। एंड इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम्स आर एवेटेड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिजल्ट इज 31 है। फॉर एनी क्वेरी कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट द डिपार्टमेंट ऑफ HOD। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो ईमेल आईडी दिया गया है HOD डिपार्टमेंट के hodsoe@cuh.ac.in पे आप मेल कर सकते हैं एनी क्वेरी के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल के साथ बने रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि कोई भी एक नया वीडियो आता है आप जल्द से जल्द पा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।